असलम डी स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज ऑफ़ पोइट्री और स्पेसिफिकली इमेजरी के बारे में कि वो क्या होती है तो लेट्स बिगिन विद इट इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इसकी डेफिनेशन ये है कि लैंग्वेज दैट इसमुलेट द रीडर्स सेंसेस तो हमारे पास पांच सेंसेस हैं अब वो क्या हैं सारी के सारे सेंसेज हमारे चेहरे पर मौजूद हैं हम चख सकते हैं हम देख सकते हैं हम सुन सकते हैं और हम कहीं से भी छू के महसूस कर सकते हैं तो ये पाँचों सेंसेस जो हैं अगर पोइट्री में पोइट आपकी स्टिमुलेट करे या उसको ट्रिगर करे तो हम उसको इमेजरी कहते हैं और इट इज़ अ मोर प्रसाइज होती है पोइट्री के अंदर इमेजरी क्यों क्योंकि हमें पोइट्री में कम अल्फाज चुनने पड़ते हैं लिटरेचर में आप बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस देखते होंगे जिसके अंदर मेटाफॉर इस्तेमाल किया जाता होगा बादलों से चाँद से सूरज से म्यूजिक से मुख्तलिफ मौसम से परिंदों से जानवरों से एसोसिएशन और मुख्तलिफ फीलिंग्स की एसोसिएशन दिखाई जाती हैं तो so, uh, उसमें जुमले ज़्यादा हैं पोइट्री में जुमले है, कम हैं और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी पोइम है जिसको uh, हम देखते हैं कि ये क्या है और इसको हम पढ़ते हैं इट इज़ एक्चुअली रिटन बाय लोएस क्लुच और इसका नाम है ऑक्टोबो सो लेट्स रीड इट आउट डे ब्रेक द लोहिल्स शाइन ऑकर एंड फायर इवन द फील्ड शाइन आई न्यू वॉट आई सी सन दैट कुड भी the August sun returning, everything that was taken away. So, you can feel it over here. Now come to the imagery, its literal meaning kya hai, its meaning ye hai ki jab aap figurative language ko istamal karte hai, is tarikhe se, ki wo aapki senses ko trigger kare, to wo imagery kehlata hai. It encourages children to actually feel, uh, to see, uh, or to taste, or to smell, touch and words created by the poets. और इट इज़ used टू create एन इमेज इन द रीडर्स head एंड मेक द रीडर फील इन अ certain वे और हम इसको सिम्बोलिकज में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिम्बोकज़म एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर हम चीज़ों को एज अ सिम्बल इस्तेमाल करते हैं अपनी इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेशन देने के लिए रिलेट करने के लिए आ, लेकिन बुनियादी तौर पर जब हम पोइट्री पढ़ने जा रहे होते हैं तो हमारे पास दो किस्म की इमेजरी मौजूद होती है एक है लिट्रल जो कि एग्जैक्ट होती है जिसके अंदर कोई

फिगरेटिव लैंग्वेज पोइट्स यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्लेरीफाईस इनकरेज रीड एड टू एक्सपीरियंस थिंग इन अवज सो आपकी जो फिगरेटिव uh, इमेजरी uh, है उसको हम जब पढ़ते हैं तो बुनियादी तौर पर हम चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से सीखते हैं मुख्तलिफ तरीके से देखने लगते हैं मुख्तलिफ तरीके से फील करना शुरू कर देते हैं एग्जाम्पल है फिगरेटिव लैंग्वेज की और ये लिटरेचर के टॉपिक है पर इनको पढ़ लेना कोई बुरी बात नहीं है दीज आर गुड वर्ड वन इज मेटाफोर स्माइल पर्सनिफिकेशन और हाइपरबोले सो अब हम आते हैं वन बाय वन की टाइप्स क्या हैं हमारे पास इमेजरी की नंबर वन टाइप है विजुअल इमेजरी जो कि आपकी अ विजुअल साइट को ट्रिगर uh, करती है जैसे कि इट मे इंक्लूड कलर्स ब्राइटनेस शेप साइजेस एंड पैटर्न लेट्स सी अ पोएम एप्पल ऑफ माय आई इट्स एक्चुअली रिटन बाय एडनीस रोजर्स You You are are the 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 apple of my eye, the wisdom of my my eye, wisdom tooth. You are the shoot head round the world, and that's the honest truth. So the next one is auditory imagery. Auditory imagery में हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे हमें लगता है कि उसके साउंड क्या होंगे सो बर्ड सॉन्ग हैं वो नेचर से भी हो सकते हैं beautiful voices भी हो सकती हैं लोगों की आवाजें भी हो सकती हैं और complete silence भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है

लाइक इनल इंक्लूडिंग प्लेजेंट फ्रेगरेंसेज हो सकती हैं या कोई बुरी किस्म की फ्रेगरेंसेज हो सकती हैं तो हमारा सेंस का जो है ऑर्डर का सेंस जो है वो ट्रिगर होता है और इसकी मैंने यहाँ पे अभी आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दी अगली है गेस्टोरी इमेजरी जिसके अंदर हमारे टेस्ट के सेंसेज जो हैं इंक्लूड होते हैं जैसे स्वीटनेस साड़नेस सॉल्टीनैस सावरनेस या इस्पाइसीस के एलिमेंट जो हैं वो वर्ड्स में आते हैं और जब हम उसे विजुलाइज करते हैं तो वो हमें वैसे फील होते हैं फिर है टेक्टाइल इमेजनरी इसके फोकस जो है बुनियादी तौर पे वो आपकी बॉडी के ऊपर है कि आपकी बॉडी जब डिफरेंट किस्म की चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है तो किस किस्म की फीलिंग से गुजरती है लाइक like, इसके अंदर सिंपल चीज़ें टेम्परेचर हो सकती हैं टेक्स्चर हो सकते हैं आपकी फ़िजिकल सेंसेशन हो सकती हैं है, तो दीज आर दार्ट ऑफ इट सो पोइट यूज़ पोइटिक लैंग्वेज बिकॉज दे वॉन्ट टू दीज टूज टू हेल्प यू अरोज पे अटेंशन लुक एट दर्ड इन अव वे इमेजरी को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि आप वो जो सीधी सादी दुनिया सीधे सादे लफ्जों में देख रहे हैं आप उसको डिफरेंट तरीके से देखें और डिफरेंट तरीके से महसूस करें